मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, तो आज के न्यू व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह मैं अभी सोकर उठ गया हूं, तो और आज के व्लॉग की शुरुआत भी मैंने कर दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे वेबसाइट में, तो आज मौसम एकदम चकाचक, और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ मौसम। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत तो फिलहाल हो चुकी है, बने रहना आज के इस व्लॉग में। और आज क्या एक्टिविटीज़ होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो ये तो तभी पता चलेगा जो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद मुझे निकलना है। अभी जैसे कि आपको पता है मैं कटिंग कर रहा हूँ अपने बगीचे में। तो आज क्या है कि आज मैं जो मेरा घर के साथ वाला प्लॉट है वहाँ पर मैं कटिंग करके फ्री हो जाऊँगा। फिर उसके बाद दूसरे प्लॉट में आपको दिखाऊँगा कि कहाँ पर मुझे और कटिंग करनी है। तो फिलहाल के लिए तो मैं अभी फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और मम्मी ने आज एक स्पेशल डिश बनाई है, क्या बनाई है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि मम्मी ने क्या बनाया है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. तो दोस्तों ये बनाई है मम्मी ने आज स्पेशल डिश। तो ये है, तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, तो ये रोटी बना रखी है मम्मी ने। तो इसमें क्या मिला रखा है अंदर, तो इसमें घी है और साथ में डाल रखा है इसमें जो हमारी लोकल यहाँ पर डिश होती है, जो हमारी फसल उगती है, तो इसमें बंगजीरी, तो जो लोकल भाषा में हमारे कहते हैं, तो इसके अंदर डाला है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्थी है ये चीज़। तो आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट के लिए ये बनाया है मेरे लिए। बाकी आपको खाकर बताते हैं कि किस तरह का बनाया है मम्मी ने और इसका स्वाद कैसा है। तो ये देखिए, ये बना रखा है आज मम्मी ने। चलिए दोस्तों, खाकर बताते हैं किस तरह के बनाया है मम्मी ने। तो यहाँ पर हम इसकी एक बाइट ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये यहाँ पर इसके अंदर घी भी है, तो ये बहुत ही हेल्थी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बना रखा है मम्मी ने। और तो ये हमारे यहाँ पर लोकल पकवान है, तो इसको अगर हम पहाड़ी भाषा में कहें तो इसको हम पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं बेडवी रोटी। तो बेडवी रोटी कहा जाता है इसको। बेडवी किसके होता है, जो इसके अंदर डाला जाता है ना रोटी के अंदर, उसको बेडवी बेडन कहा जाता है। जो कि हमारे यहाँ पर जैसे आपके तिल हो गया, बंगजीरी होगी, इस तरह के हम इसमें अंदर से इसमें बेडन डालते हैं। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और हमारे ये लोकल हमने खुद बीज रखी होती है, तो इसमें आप थोड़ा सा बंगजीरी, थोड़ी सी तिल मिला रखी है मम्मी ने। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों खाने का मज़ा लेते हैं और उसके बाद जाते हैं खेत। पहले अभी जो ये मम्मी ने आज स्पेशल डिश बनाई है ना, इसको खाने का इतना आनंद आ रहा है कि बहुत ही आनंद आ रहा है। चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं खेत में, तो मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने कटिंग करके जो अभी लकड़ियाँ आती है तो उसको मम्मी ने इकट्ठा करके रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है और थोड़ी सी यहाँ पर इकट्ठा करके रखा है। तो दोस्तों अब इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर इकट्ठा करके एक ढेर लगाएंगे ताकि यहाँ पर सड़े, और हमें इन लकड़ी को जलाना नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हमारे पर्यावरण के लिए इस तरह का धुआं धुआं करना बहुत ही नुकसानदायक है, तो इसलिए हम इनको जलाएंगे नहीं। तो इस हम इनको इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगाएंगे और उसमें इसको बिल्कुल गलाने के लिए दवाइयाँ डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए, ये दो पेड़ यहाँ बचे हैं और दो पेड़ आगे हैं, तो इन पेड़ों में मैंने अभी कटिंग करनी है। तो आज हमारे इस प्लॉट में पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो 5 से 7 पेड़ मुझे कटिंग करने को बचे हैं। तो ये देखिए,
यहाँ देखिए दोस्तों, ये इस पेड़ में कटिंग हो रखी है। तो यहाँ पर आप नीचे वाली साइड में देख सकते हैं ना, इसमें कटिंग कर रखी है मैंने पूरी, और अब ऊपर चढ़कर इसमें हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी इसमें कटिंग करेंगे, तो दो पेड़ यहाँ पर कटिंग करने को बचे हैं। तो उनको कंप्लीट करने के बाद आज की हमारी यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ी देर कटिंग कर लेता हूँ। थोड़ी देर में हमारी कटिंग ख़त्म भी हो जाएगी और मम्मी यहाँ पर आएंगे, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जो इसमें पत्तियाँ हैं और जो लकड़ियाँ कटिंग करके काट छाँट करके जो नीचे गिरी है, तो उनको इकट्ठा करेगी मम्मी, और उसके बाद हम इसको एक जगह में इकट्ठा करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन का हमारा यही पेड़ बचा है अब कटिंग करने के लिए, जो इस खेत का है। तो मम्मी यहाँ पर लकड़ियाँ उठा रहे हैं। तो मम्मी, ये लकड़ियाँ जलानी नहीं है, ठीक है? अच्छा। हाँ, इकट्ठे रखेगी इनको, अगर जलाएगी तो इससे पता क्या होता है, जैसे हमारा वातावरण होता है ना, वहाँ प्रदूषण फैलता है इससे, तभी तो बारिश नहीं हो रही है। जितना लोग धुआं लगाएंगे उससे नुकसान होता है, ठीक है? नहीं जलाना इसको। हाँ, यहाँ देखिए जी, मम्मी अभी उठा रहे हैं। मोटी मोटी उठा लो, बाकी तो अंगूठे से उठाने पड़ेगा मेरा ना। इकट्ठे करके रखना इसको, फिर क्या करेंगे उसके बाद? ठीक है, ठीक है। ये तो सड़ जाता है, तो सभी काम आ जाता है। हाँ, सड़ जाता है ये, ठीक है। ये देखिए जी, हमारी कटिंग हो रखी है यहाँ पर इस खेत में। बाकी अब आगे इस पेड़ की कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो लंच टाइम भी होने वाला है। तो लंच करने से पहले हम इस प्लांट को पूरा कटिंग करके फ्री कर लेते हैं। ये देखिए जी, मम्मी आ रहे हैं यहाँ पर, छिट्टे उठा रहे हैं, छिट्टे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं लंच कर रहा हूँ। लंच में मम्मी ने बनाया था थोड़े से रेड और वाइट राइस मिक्स है इसमें, तो शाम को भी बनाए थे और सुबह भी बनाए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, और साथ में यहाँ पर सुबह की बची थी रोटी, और साथ में खा रहा हूँ मैं कढ़ी। तो चलिए दोस्तों, लंच कर लेते हैं, और कढ़ी खाने का बहुत मन था। अब शाम हो रही है और शाम के बज चुके हैं 5, तो सोचा कि शाम के टाइम का भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ठंड तो इतनी ज़्यादा हो सकती है ना, आप देख सकते हैं मैंने हुड पहन रखा है, तो हाई नेक हुड। तो चलिए दोस्तों, शाम का व्यू आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाली साइड में देखिए आप, ऑसम व्यू। और ठंड हो रही है अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, शाम का एक छोटा सा शॉट दिखा देते हैं, उसके बाद इस ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है, डेली ब्लॉग्स लेकर आ रहा हूँ, तो इसके बाद मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, उसके बाद अपलोड करनी है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो मैं आपको एक शॉट दिखा देता हूँ, उसके बाद इस वीडियो का भी एंड कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, तो आपको पता ही है डेली एक्टिविटीज़ जो भी थी हमारी, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे, जितना बेहतर हो पाएगा। तो मिलेंगे हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल दोस्तों, बाय बाय।